الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي على في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال باري المسموكات داه المدعوات جبار الأرضين والسماوات سبوه القدوس رب الملائكة والروح هو الصلاة والسلام على أول صبح لاها عن أفق الأهدية الصباح البهار الهاهوتية النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي البتهي الأبتهي الطعام العبد المؤيد الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد يا بن وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا حضرات شعراء کرام کے ان دیش بہا افکار کے بعد کسی بولنے والے کے لیے اب گنجائش نہیں رہتی کہ وہ نثر میں کوئی ایسی موضوع گفتگو کرے کہ جہاں آپ ایک ابتہاج و احتزاز محسوس کریں لیکن یہ رجب کی 27 رات اس بات کی متقاضی ہے کہ میں چند اہم امور کو آپ تک پہنچا دوں ہمارے پاس یہ رات شب بعثت ہے عالم اسلام کے پاس یہ رات شب معراج ہے نعرہ تکبیر فرق دونوں میں کچھ نہیں ہے اگر انسان حقیقت بعثت کو سمجھے کہ انسان بندگی کی اس منزل پر پہنچے جہاں قرب کمال کے بعد قرب کمال کے بعد اس کا دل منزل وحی بن جائے اس کا دل منزل وحی بن جائے اور اس منزل قرب کمال کو اگر بعثت کہتے ہیں تو یہی بعثت معراج مسائل کو سمجھنے کی کوشش کیجئے یہ نبوت پر فائز ہونا وحی کا آنا
इलाही पैगाम का पहुंचना हर कसो नाकस के लिए तो नहीं है। कायनात में जिन बंदों को चुना जाता है उनको साहबे वही समझा जाता है, और उन चुने हुए बंदों में भी अगर किसी को इस तरह से मुंतखब कर ले कि अब तुम्हारे बाद फिर नशरो इशाअत दीन के लिए वही की जरूरत नहीं रहेगी, और ये मंजिल आखिर कलाम रब्बानी है तो आखिर ये बेसत मेराज न हो तो फिर क्या हो। इसलिए बरादरान इस्लाम जो बेसत है वही मेराज है, जो मेराज है वही बेसत है, यानी बंदगी का कमाल हद इम्कान पर किसी का पहुंच जाना वजूद से इतना मुमकिन का इत्तेसाल, वजूद से इतना मुमकिन का इत्तेसाल कि जहां मलक भी दरमियान में ना आ सके, और इस मंजिल पर फिर जो कुछ भी कहा जाए उसके लिए ये इरशाद कि फाओहा इला अब्दही माओहा, हमने जो चाहा अपने बंदे की तरफ वही की, अब जिब्राइल नहीं है और न वो वही कुरान है, अब न जिब्राइल वास्ता है न वो वही कुरान है, बल्कि इस कमाले कुर्ब पर जो वही आई वो सिवाओ अब्द माबूद के उससे कोई आशना नहीं। सिर्रे मगू हो तो यूं हो, अब अगर आशना होने वाला किसी को बतला दे ये कहा तो फिर वो ये कह सकता है कि मुझसे पूछो कयामत तक की बात। इसलिए जब दुनिया ने कहा कि आप गैब की बातें करते हैं तो आपने मुस्कुरा के कहा नहीं, गैब का क्या जिक्र है, हुआ ताअल्लुमुन मिन ज़ी इल्मिन, साहिब इल्म ने इल्म दिया है, साहिब इल्म ने इल्म दिया है, मैं अपनी फिक्र से हटता नहीं हूँ, मेरा कमाल इल्म है। मेराज कमाल इल्म है, और मेराज अगर नाम है बुलंदी का, बशरियत की बुलंदी, इंसानियत की बुलंदी, अब्दियत की बुलंदी, आपके तसव्वुर में बुलंदी क्या है, यानी किसी बुलंदी पर आप चढ़ जाएं तो ये भी नजर आए वो भी नजर आए। अगर मेरा
आज नाम है कमाल बुलंदी का, तो वो मंजिल थी जहाँ जमान मकान की हदें खत्म हो चुकी थी, जहाँ फासले हट चुके थे, जहाँ वक्त ने अपनी गर्दिश पर रोक दिया था, और ऐसे मौके पर देखने वाले ने इधर भी देखा, उधर भी देखा, दुनिया को भी देखा, आखिरत को भी देखा, अपने आप को देखा, उम्मत को देखा, महशर को देखा, तो महशर तक देखते गए। अब जिसको इल्म दे अगर वो ये कहे कि मैं तुमको कयामत तक की बातें बतलाऊंगा, वही जुमला था जिसकी फराहत कर रहा था, क्या न पका तो आई नल फितना, मैंने फितने की आंखें फोड़ दी जंग नहरवा, फसलू नहीं कबला तब कदू नहीं, मुझसे पूछो कबल इसके के तुम मुझे गुम कर दो। वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, और उसकी कसम जिसके दस्ते अक़दस में मेरी जान है, लौ तसअलूननी अन शयइन फी मा बैनकुम व बैनस्सा, आज से लेके क़यामत तक, आज से नहजुल बलाना खुतबे का निशान 92, आज से लेके क़यामत तक जो पूछना हो मुझसे पूछो, और तुम न पूछोगे किसी शय को, इल्ला उनब्बिउकुम, मगर ही कि मैं तुमको बतलाऊंगा कि काफिले कहाँ कहाँ से निकलेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, महत के रिहाओ लिहाओ उनके मनाजिल क्या होंगी, उनके उतरने के मकामात क्या होंगे, और मना के रिकाब हाओ उनकी सवारी की मंजिलें क्या होंगी। व मिन कुम मैं युक्तलु कतला, व मिन कुम मैं यमूतु मौता, कयामत तक बतला सकता हूँ कि तुम में कत्ल होने वाला कौन है, बिस्तर पे मरने वाला कौन है। ये मेराज की मंजिल है, मेराज कमाले इल्म है, मेराज कमाले इल्म है, और इल्म अल्लाह हु अकबर, इल्म या समाअत से आए या बसारत से आए, इल्म या समाअत से आए या बसारत से आए, या देखे या सुने, तो इल्म है। नबी ने देखा, नबी ने सुना, नबी ने देखा, नबी ने सुना, और बुलाया गया इसीलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना, पाक है वो जिसने अपने बंदे को सैर करवाई रात के वक्त मस्जिदिल अक्सा से। सुभान अल्लज़ी अज़रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, यानी वहां उस मस्जिद से उस मस्जिद तक सैर करवाई, क्यों, लिनुरियहू मिन आयातिना, ताकि हमारी आयतों को वो देखे, देखे, देखने में इल्म है। फिर फाओहा इला अब्दिही मा ओहा, हमने वही की, सुनने में इल्म है। देखिए मेराज, हकीकत मेराज, देखा भी और सुना भी, और कमाल के सत्वो के जिस दिन मबूस हुए और कहे इन्नी रसूलुल्लाह, 27वीं रजब थी, तो एक मर्तबा अली ने कहा लकद समय तो रन्नत शैतान,
मैंने शैतान की फरियाद सुनी तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि हाँ तुमने वो आवाज सुनी इसलिए कि शैतान मायूस हो चुका है। अब तुमसे कहता हूँ इन्नका तस्मऊ मा अस्मऊ व तरा मा अरा, वही सुनते हो जो मैं सुनता हूँ, वही देखते हो जो मैं देखता हूँ। आपने देखा या पासे रहा है या सामने आए, और दूसरे हवास अपने आप को सब अर्ज करते हैं, सब अपने आप को अर्ज करते हैं इन्हीं दो हिस पर, बासेरा है या सामने आए, देखा या सुना, देखा या सुना। बड़ी अजीब बहस है ये, इल्म किस तरह से आता है, इल्म किस तरह से आता है। खुदूसन असातेजा बेहतर जानते हैं कि बच्चों को पहले देखने की आदत डाली जाती है, फिर सुनाया जाता है, देख के अंदाजा करें। नहीं, पहले ऐसा भी होता है कि इतना सुनाया जाता है, इतना सुनाया जाता है कि वो याद कर लें और जब देखें तो पहचान लें। तो ये मंजिल मेराज है, ये मंजिल मेराज है। मैं आपके जश्न में आ रहा था, अखबारों के रिपोर्टर्स ने मुझसे कहा कि हम बड़ी देर तक नहीं बैठ सकेंगे, मगर तकरीर का खुलासा तो कहिए। मैंने कहा जाहिर है कि एक मुख्तसर सी तकरीर है, उसका खुलासा क्या होगा? इकबाल के दो शेर हमेशा मुसलमान याद रखे, इकबाल के दो शेर याद रखे मुसलमान। ये कायनात अब दीन ना तमाम है शायद, ये कायनात अब दीन ना तमाम है शायद, कि हार रही है दमा दम सदाए कुन फयकुन। ये कायनात अभिन्न तमाम है शायद, क्या रही है दमा दम सदाए कुन फयकुन, सबक मिला है ये मेराज मुस्तफा से मुझे, सबक मिला है ये मेराज मुस्तफा से मुझे, कि आलम बशरियत की जद में है गर्दूं, कि आलम बशरियत की जद में है गर्दूं। मेराज का सबक ये है, मेराज का सबक ये है कि अगर कोई उसकी राह पर चले, अगर उसकी कोई मुताबियात करे, अगर इत्तबा की मंजिल पर कोई कामिल हो जाए और कमाल इत्तबा पर मिन्नियत रसूल किसी को हासिल हो, मिन्नियत रसूल किसी को हासिल हो तो गुफ्तगू मेराज की तो होगी नबी के ताल्लुक के साथ, मगर समझ में आएगा वो इंसान, गुफ्तगू होगी मेराज की नबी के ताल्लुक के साथ, मगर समझ में आएगा वो इंसान जो अपनी बुलंदियों पर नाज करता हो, जो अपनी बुलंदियों पर नाज करता हो और क्यों ना नाज करे जब उसकी फितरत में बुलंदी हो। देखिए, हम अपनी मंजिल से हट न जाएं, दो चार दकीके और इसकी कदर कीजिए। आपने सुन लिया 27 रजब रोज़े मबास है, इसी को मेराज का दिन भी कहा। दोनों में फर्क हमारे पास नहीं है, लेकिन लेकिन तारीख रोज़े मबास अगर कोई पढ़े
कि जिस दिन मबऊस हुए, जिस दिन मबऊस हुए वह इस्लाम की तारीख में कितना मुबारक दिन था। रजब की 27 थी, 40वां साल था। मगर देखना यह है कि जिस दरगाह कमाल पर पहुंच कर बंदे ने इस कोर को हासिल किया कि वही को कबूल करे, जब वो दरगाह कमाल आनंद फानन एकाएक आया, या उसके लिए भी कुछ वक्त दरकार था। मेरी फिक्र के साथ चलने की कोशिश कीजिए। 27 रजब को नबी मबऊस हुआ, 26 रजब को नबी क्या था? पच्चीस को क्या था? 24 को क्या था? 63 से 1 साल पहले क्या था? 63 से 2 बरस पहले क्या था? 40वें साल मबऊस हुआ है, 40 साल कैसे गुजरे? तो अगर कोई मुसलमान खुदा की कसम मशरिक और मगरिब में यह कह दे कि गुज़िश्ता 40 साल इस तरह से गुजरे कि कभी कभी खाने काबा में जाके बुतों के सामने सर झुकाते थे, कभी कभी उरियां तवाफ करते थे, कभी कभी बुतों के जबीहे को तनाउल फरमाते थे, कभी कभी जाहिलियत की रस्मों को भी पसंद करते थे, अगर कोई इस बात का कायल हो जाए तो वह मुसलमान नहीं है। इसलिए आप तय करके चलो कि 63 के पहले क्या था। सबसे पहले क्या था? इस्लाम बज़ाहिर उस दिन आया जिस दिन आपने कहा इन्नी रसूलुल्लाह। उस दिन से पहले क्या था? उस दिन से पहले मुस्लिम नहीं था, उस दिन से पहले उस घर में इस्लाम नहीं था। क्या ख्याल है आलम इस्लाम का? यह बेसत ही के दिन फैसला हो कि कल कैसा दिन था और आज क्या दिन है। देखिए, मैंने सुबह की तकरीर की और जाहिर है कि अफकार दिमाग में उसी सिलसिले से आगे बढ़ रहे हैं। हक है आपके सरबराह ममलिकत को यह कहने का, हक है आपके सरबराह ममलिकत को यह कहने का कि अगर हम चाहेंगे तो चपरासी को सरबराह ममलिकत बना देंगे। इसलिए कि कुर्सियों का मकाम ही है। कुर्सियों का मकाम ही है, तो जिसको चाहा बिठा दिया। मैंने सुबह को भी अर्ज किया सज्जादिया में, हुसैनिया सज्जादिया में, कि हमने तारीख आलम पढ़ी नहीं है। गुज़िश्ता 60 बरस में मैंने देखा है अपने शऊर के आलम में कि कितने ऐसे गरीब सिपाही थे जो बादशाह हो गए, कितने ऐसे किसान थे जो हुक्मरान हो गए। इसलिए कि यह कुर्सी है, यह तख्त है, यह ताज है, और अगर यही माना रिसालत के भी हुए कि एक आयक दे दिया जिसको पसंद किया दे दिया, तो कयामत हो जाएगी। इसलिए कि जब आपने ये कहा कि कुर्सी तक एक मामूली सा इंसान जा सकता है, तो माना ये कि शरायत नहीं है। मगर जब नबी मबऊस
हैं। शराइत है और पहले ही साथ इल्म है, पहली याद इल्म है और ऐसा इल्म कि 40 बरस गुजरने के बाद भी मक्के का कोई आदमी ये न कह सके कि मैंने मोहम्मद को पढ़ाया था। ये बातें याद रखने के काबिल है। मैं आपका वक्त ले रहा हूँ, बहुत सी बातें आपको खुद मालूम है। 40 बरस तक भी किसी की यह हिम्मत न हो सकी कि हमने पढ़ाया था, हमने पढ़ाया था। किसी ने कहा नहीं, एक और बात मेरे साथ चलिए। नहीं, ये घराना ऐसा है कि जिस जिस का चुन लिया, जिस जिस का चुन लिया, 1 से 14 तक किसी मंजिल पर कोई ये कह दे कि हमने हसन को पढ़ाया, हमने हुसैन को पढ़ाया, हमने ज़ैनुल आबिदीन को पढ़ाया, हमने मोहम्मद बाकर को पढ़ाया, तो कुल्लुल्ला मोहम्मद। तालीम की मंजिल ये कि सब एक, सब एक। वो कहां तक देख रहे हैं उसका अंदाजा मैं और आप क्या करेंगे, या कोई किताब का लिखने वाला क्या करेगा। अरे पस्तियों पे बैठ के कोई दूर की बातें देखता है। जहां जहां दीवार पर आ जाए कोई और उस दीवार पर आए जो हद इम्कान हो, जहां जमान न हो मकान न हो, तो इधर देखे तो कयामत, इधर देखे तो दुनिया, और दोनों को देखने के बाद, दोनों को देखने के बाद अब जो फैसला दे दे, जो हुक्म दे दे। बहुत तवज्जो से सुनिए, बड़ी अजीब बातें हैं। यानी जरा भी बहस तकलीफ दे दुनिया को यह है कि हुसैन को अपनी शहादत की खबर कैसे हो गई। बस इतनी सी बहस है ना जिस पर अब हम काम कर रहे हैं। मैं अब अर्ज करता हूं कि रसूल से जितनी हदीस है, कुरान नहीं, जितनी हदीस है महशर की तफसील से मुतालिक है, कि तुम यूं आओगे, मैं यूं कहकर के जाम पिलवाऊंगा, तुम इस तरह से सामने से गुजरोगे, मैं तुमको पुकारूंगा, तो मलाइका कहेंगे अल्लाह के रसूल इनको न पुकारिए, आपके मरने के बाद ये बदल गए थे। तफसील महशर जो रसूल ने दी है उसको आप हमारी किताबों में क्या देखते हैं, सही मुस्लिम में देखिए, बुखारी शरीफ में 3 मकाम पर यह हदीस मौजूद है। जब मैं कौसर के किनारे जब खड़े रहूंगा और मैं देखूंगा कि दूर से वो लोग जा रहे हैं जो जाने पहचाने हुए हैं, और मैं कहूंगा उसे हादी, ये अल्फाज सही बुखारी शरीफ के मोहम्मद इब्ने इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है इसको, मैं पुकारूंगा, अरे साथियों, तुम मलाइका कहेंगे आपको नहीं मालूम कि क्या हुआ, यानी नहीं मालूम कि क्या इल्म पर हमला किया, नहीं बल्कि रसूल ने पुकार के पहचानवाया महशर वालों को। तफसील महशर
इस तरह से आराम से लोग खड़े होंगे और इस तरह रिजवान की मंजिल होगी और इस तरह तुम खड़े रहोगे तुम जन्नत और दौलत के दरमियान और तुम पुकारोगे खुदी हादा हादा दुबी ले ले इसको ये मेरा दुश्मन है छोड़ दे इसको ये मेरा दोस्त है। ये तफसील नबी दे रहा है और तमाम मुसलमानों की किताबों में है तो ये तफसील गायब नहीं है। महशर की बातें जो यूं बतलाए यानी कुरान में जिसका तस्करा नहीं है कि आप ये कहें कि कुरान की आयतों की तफसील दे दी नहीं इतना जिक्र महशर किया इतना जिक्र महशर किया कि लोग बाद मर्तबा आके शौक से पूछते थे अल्लाह के रसूल कुछ क़यामत की बातें कीजिए क्यों क्यों इसलिए कि उस मकाम में बुलंद फ़ाइज़ थे यहां से दुनिया व अक़बा दोनों को देख रहे थे और उन्हीं आंखों से अली ने भी दुनिया व अक़बा को देखा था उन्हीं आंखों से देखा था दुनिया व अक़बा को देखा था और ये कह रहे थे पूछो क़यामत तक की बात के मुझसे पूछो कि नहजुल बलागा है और उसके बाद गुफ्तगू का इख्तिताम मंजिल मेराज हकीकत वो मुंतहाए कमाल इंसानियत मुंतहाए कमाल इंसानियत है जहां आप महबूब से करीब हो जाए अंजाम कुर्बत वही मानाए वही बेसत नहीं है मेराज मगर बेसत नहीं है बेसत मगर मेरा इसलिए शब ईद शब मबास शब मेराज मुबारक हो आप सबको मगर एक बात जहन में रख के वो ये कि एक फिक्र ये रहे कि इस मेराज बशर से इल्म में दोस्तों के इजाफा क्या है चाहने वालों के इल्म में इजाफा क्या है हम किस इजाफे को चाहते हैं तो यही वो मंजिल है कि जहां एक वजाहत की हुई वजाहत जिसको दोहरा रहा हूं वो ये कि नबी 27 रजब को नबी हुआ 26 को भी नबी था 25 को भी नबी था दुनिया ने पहचाना नहीं था वो नबी था दुनिया ने पहचाना नहीं था वो नबी था और जब से नबी था कोई वसी था बड़ी अजीब मंजिल है जब से नबी था कोई वसी था मगर नबी भी चुप वसी भी चुप मगर वसी दिलेर वसी शुजा वसी बहादुर वसी नबर्दास माँ वसी मारिका रा वसी किसी की परवाह न करने वाला वसी उसने कहा लखद अलम अल मुस्तफदूना मिन अस्हाब मुहम्मदन पैगंबर के अस्हाब में जिनको हदीसें याद हैं और वाकयात याद हैं उनको मालूम है कि मेरा मकाम ज़ाते रिसालत से कितना करीब था कबले रिसालत कितना दिलेर कहा कि मेरा मकाम ये था कि वज़ानी अल्लाह सदरे ही मुझे अपने सीने पर सुलाते थे
वो यकनुफनी अला फिराशे ही, मुझे अपने बिस्तर पे लिटाते थे। वो कौन यमजुगु शै सुम्मा युल्किमुनी, पहले किसी चीज को खुद अपने दंदान अक्दस से तोड़ते फिर मुझे खिलाते। इतना नजदीक था कि मैं था और वो थे, यह दिलेरी है। इस दिलेरी तक कोई पहुंच न सका बादन बुवत जो ये कहता कि मक्के में हम भी थे। मक्के में हम भी थे, हमारा बचपन भी गुजरा, हम भी साथ साथ बड़े हुए, एक मोहल्ले में थे, हम साथ खेलते थे, हम साथ दौड़ते थे। अगर कहीं किसी ने दावा किया है तो ये अल्फाज वापस। सब ने पहचाना देशत के बाद, देशत से पहले नबी सबके शुरूर से गायब। सबसे पहले नबी सबके शऊर से गायब है। कोई तारीख आपके पास? किसी ने कहीं किसी महफिल मिलाद में ये कहा कि बचपन के साथी थे, खेलते थे, इस तरह की बातें करते थे, उस दरख्त के नीचे बैठते थे, उस पहाड़ पे जाते थे? किसी ने कहा? और फिर मक्का छोटा सा मकान, छोटी सी जगह, जरा सी आबादी। अब्दुल मुत्तलिब का पोता दुनिया जानती है, जाहिर है बड़े घराने का लड़का हो तो खुद ब खुद लोग मिलने के लिए आते हैं। खुद ब खुद लोग मिलने के लिए आते हैं, बड़े घराने का लड़का है, चलो इसे दोस्ती रखे। मगर वो कौन सी चीज माने थी मक्के वालों के और रसूल के दरमियान कि 40 बरस तक कोई मुलाकात का दावा भी न कर सका? साथ उठना बैठना तो एक तरफ, कोई रिवायत ऐसी हो कि हमने साथ खाना खाया हो, कोई रिवायत हम तामी की हो, कोई रिवायत ऐसी कि हमको कहीं लेकर गए थे, हम साथ गए थे, कोई नहीं, किसी मंजिल पर नहीं। और यह जरी है, यह जरी है जो ये कहे कि कुन तो अत्तबेव हूँ इस्तेबाल फसील असरहुम में, मैं तन्हा था और नबी के पीछे पीछे इस तरह चलता था जैसे बकरी का छोटा बच्चा माँ के पीछे पीछे। खुदावंद आलम बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद आपकी तमन्नाओं को बरलाए, आपकी उम्मीदें पूरी हों, आपके मकासिद बराएं। और फिर मैं हजरात शोरा का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने अफकार से हमको सरफराज किया और वो उन्हीं की फिक्र की रोशनी में मैंने अपनी तकरीर को दुरुस्त करने की कोशिश की। और इस तरह से मैं उनको जाहिर है कि इस शुक्रिया का मुस्तहिक समझता हूँ। अब ये मेरी तरफ से नहीं है, मेरी तरफ से नहीं है, ज़ाकिरीन की मासूमीन ने तारीफ नहीं की है, अपने कसीदा गोयों की तारीफ की, अपने मद्दाहों की तारीफ की है। जैबल कसीदा पढ़ो, कुमैत कसीदा पढ़ो, सैयद हिमयरी कसीदा पढ़ो, फरजदक कसीदा पढ़ो, तो आपने देखा कसीदा गोई का मकाम बहुत बुलंद, बहुत बुलंद है। इसलिए अब उसको संवारते चलो, उसको निखारते चलो,
ताकि दुनिया जान ले कि जिससे मोहब्बत होती है, जिससे दिल को लगाव होता है, बेअख्तियार वहां लफ्ज़ें ढलती हैं, वहां मुहावरे वज़ा होते हैं, वहां बातें जरा जरा सी लफ्जों में समझाई जाती हैं। ये मकाम बहुत अरफा वाला है, खुदा करे कि ये आपकी कोशिशें मशकूर हों और बानियान जश्न को खुदावंद अली आला इसका अजर दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 3 मरतबा सलवात।